भव्य समारोह का हुआ आयोजन। 2500 बच्चों को मिला 80 कलाओं का प्रशिक्षण। समर कैंप चक धूमधाम का आयोजन किलकारी बाल भवन में 21 मई से 14 जून के बीच किया गया था। बुधवार को इस कैंप की समाप्ति समारोह पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में रवि प्रकाश, श्रीमती वंदना प्रेयसी, श्रीमती करुणा कुमारी, श्रीमती रेखा कुमारी, नफीसा बिनते शफीक एवं निपुण गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम पदाधिकारी अनीता ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष कैंप में 8 राज्यों से 41 शिक्षक एवं किलकारी के 50 प्रशिक्षक शामिल हुए थे। कैंप में 2500 बच्चों को लगभग 80 कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह के अवसर पर विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित 750 बच्चों द्वारा मुख्य मंच से प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को 5 स्लॉट में बांटकर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ हवाईयन गिटार से किया गया। अलग अलग स्लॉट के उद्घोष भी अलग अलग थे। प्रथम स्लॉट में हवाईयन गिटार, तबला वादन एवं कविता प्रस्तुत को रखा गया था, जिसकी उद्घोषणा राधा प्रजापति एवं अरमान आर्या सिन्हा के द्वारा की गई। द्वितीय स्लॉट में चित्रकला, हस्तकला, मूर्तिकला, लेखन, विज्ञान आदि विषयों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया गया, जिसकी उद्घोषणा सोनाली एवं आदित्य के द्वारा की गई। तृतीय स्लॉट में खेल विद्या का प्रदर्शन बच्चों ने किया, जिसकी उद्घोषणा निमिषा कुणाल एवं अरुणोदय प्रभात के द्वारा की गई। चौथे स्लॉट में मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसकी उद्घोषणा योगिता सिन्हा के द्वारा की गई। अंतिम स्लॉट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसकी उद्घोषणा हर्ष दुबे, श्रुत, स्मृति और रोशनी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई।